नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9 और बिग न्यूज 9 की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विजयलक्ष्मी। जिला पश्चिमी चंपारण के नगर परिषद कार्यालय के परिसर में नगर सभापति गरिमा सिकारिया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज उल्टा हो गया, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाने लगा। लोगों की नजर लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज पर जब पड़ी तो तिरंगे को उतारा जाने लगा तथा उतारते क्रम के बीच राष्ट्रीय गान और तिरंगे को सलामी दी जा रही थी और नारा लगाया जा रहा था। गौरतलब है कि आखिर नगर परिषद सभापति गरिमा सिकारिया द्वारा झंडा फहराने से पूर्व सवाल यह है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित कर उल्टा लगाया किसने और इस षड्यंत्र को रचने वाला रचयिता कौन था। उल्टा राष्ट्रीय ध्वज लगाने वाले पर जिला प्रशासन तथा नगर प्रशासन द्वारा जांच कर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इसी क्रम में राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन से पूर्व ही एक प्रतिष्ठित पत्रकार द्वारा समाचार संकलन करने के वक्त जब कैमरे के सामने पूर्व सभापति कमला देवी के पुत्र नगर के वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ छोटे सिंह खड़े हुए तो संवाददाता द्वारा कहा गया कि न्यूज संकलन में आपकी पीठ सामने आ रही है, कृपया थोड़ी सी बगल में हो जाए। इतने में वार्ड पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ छोटे सिंह आग बबूला हो गए और तूतु में पे उतर गए और पत्रकारों को अपमान करने लगे। इससे यह जाहिर होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा लगाने का षड्यंत्र इन्हीं के द्वारा तो नहीं रचा गया था, क्योंकि कुछ वार्ड पार्षदों द्वारा नगर सभापति गरिमा सिकारिया के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूर्व में भी कई बार षड्यंत्र कर चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। ऐसे में झंडा उत्तोलन के वक्त पत्रकारों तथा राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित होता देख नगर परिषद कार्यालय परिसर से संवाद संकलन के लिए आए सभी पत्रकार विरोध कर बाहर एक तरफ खड़े हो गए। यह एक निंदा का विषय है, जिसको लेकर नगर परिषद सभापति के पति रोहित सिकारिया द्वारा उक्त पार्षद द्वारा किए गए भूल को लेकर पत्रकारों से क्षमा मांगी। समाज के लिए दुखद है कि ऐसे वार्ड पार्षदों का नगर में होना नगर के विकास में ये बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। Thank you.